हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज थर्ड फैमिली पेपे वेरेसी। तो बीएससी सेकंड ईयर वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे थे हम लोग, बॉटनी यूनिट नंबर 4 चल रही थी। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, यूनिट 4 चल रही थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकंड, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे फैमिली, दो फैमिली इससे पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम थर्ड लेक्चर इसका शूट कर रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाएंगे पैपे वेरेसी फैमिली। पैपे वेरेसी फैमिली को पोपी फैमिली भी बोला जाता है, ठीक है, इसको पोपी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका पोपी प्लांट आता है, अफीम पोस्ता जिसको बोलते हैं, जिससे कि अफीम प्राप्त होता है। बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट इसमें आते हैं। तो यहाँ पे पोस्ता का आपको पौधा भी दिख रहा होगा, और इस तरीके के इसमें कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं। पेपेवेरेसी इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी हाई है। फैमिली बहुत ही छोटी है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पीसीज नहीं आती है। द पैपेवेरेसी आर एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फैमिली ऑफ अबाउट 42 जेनरा एंड अप्रोक्सीमेटली 775 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें लगभग 42 से 44 जेनरा आते हैं, ठीक, आप अप्रोक्सीमेटली 45 जेनरा लिख सकते हो, ठीक है, और 775 टोटल स्पीसीज इसमें है। तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। दिस फैमिली इज आल्सो नोन एज पॉपी फैमिली। द फैमिली इज कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब, हर जगह प्लांट देखने को मिलते हैं विश्व में। किसी भी कंट्री में जाओगे आपको प्लांट देखने को मिल जाएंगे, मोस्टली टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, ठीक, जो टेम्परेट रीजन है और सब ट्रॉपिकल, बट ऑलमोस्ट अननोन इन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे इसके प्लांट देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में प्लांट इसके ग्रो करते हैं, लेकिन पाए सभी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाई स्टेप, जिस तरीके से हर फैमिली में पढ़ते थे, वैसे ही इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में इसका फ्लोरल पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। द पैपेवेरेसी और द पॉपी फैमिली। मैनी प्लांट इन द पैपेवेरेसी आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट, वाइडली ग्रो फॉर दियर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं। लगभग 700-800 स्पीसीज इसमें आती हैं और 45 जेनरा हैं। हैबिट क्या है? द प्लांट्स में भी एनुअल, वार्षिक हो सकते हैं प्लांट, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब। तो इसमें शाकीय पौधे आते हैं। कौन से? शाकीय पौधे आते हैं, मतलब हर्ब्स हैं ज़्यादातर। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय शाकीय पौधे आते हैं, विद मिल्की और येलोइश लेटेक्स। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मिल्की और येलोइश लेटेक्स इसमें होता है। वही जो लेटेक्स है उसी से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम है, हेरोइन है, अलग अलग प्रकार से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जो अफीम होता है आपका, अफीम, इसी के एसीटाइलेशन, एसीटाइलेशन से आपका बनता है हेरोइन। तो ये अलग अलग क्वांटिटी में कंसंट्रेशन होती है, जिससे कि अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलेस डिजाइन किए जाते हैं। हैबिटेट, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द टेम्परेट रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन था,
बात करते हैं हम स्टेम और लीफ की, इसका तना कैसा होता है। स्टेम जो होता है तना हर्बेसियस होता है, मतलब तना कैसा होगा, हर्बेसियस होगा, साकी तना होता है, इरेक्ट होता है मतलब सीधा होगा तना, सिलेंड्रिकल या फिर ब्रांच्ड, ब्रांच्ड तो होता ही, शाखित होता है तना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, सभी लिखना है आपको। और सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार स्टेम होगा। लीव्स रेडिकल रेदर लार्ज, अल्टरनेट होंगी लीव्स, अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में होंगी, एक लीफ यहाँ पे होगी तो दूसरी लीफ यहाँ पे लगी होगी। और द अपर वन सम टाइम्स अपोजिट, सिंपल लोब्ड होती है और डीपली डिवाइडेड और कंपाउंड, मतलब सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप की लीव्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी। कैलिक्स और कोरोला, इनफ्लोरिसेंस मतलब पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, इनफ्लोरिसेंस कहने का मतलब जो पुष्प होते हैं वो किस तरीके के लगते हैं, किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। द टर्मिनल फ्लावर्स सॉलिटरी इन मोस्ट स्पीसीज, इन अदर्स द टर्मिनल इनफ्लोरिसेंस इज साइमोस और रेसिमोस। तो इसमें ससी माछी और असी माछी, ससी माछी और असी माछी दोनों टाइप के पुष्पक्रम देखने को मिलते हैं, मतलब लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले दोनों टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। ये क्या होता है साइमोस और रेसिमोस टाइप, ये सब मैंने इससे पहले जितनी भी फैमिली पढ़े हो आप तो उनमें कहीं ना कहीं सब कुछ बताया हो डिटेल में। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब सिमेट्री जो होगी इसमें रेडियल सिमेट्री होगी, कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री, कहने का मतलब पुष्प को कहीं से भी आप डिवाइड करोगे दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। हाइपोगाइनस कहने का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, जो आपका अंडाशय होगा, अंडाशय, पुष्प का अंडाशय सर्वोच्च स्थान पे होगा, ठीक, सर्वोच्च स्थान पर होगा, बाकी जो पार्ट हैं फ्लावर के वो ओवरी से नीचे होंगे। डाई और ट्राइमेरस होते हैं, एब्रेक्टेड एंड पेडिसिलेट लार्ज एंड सोई, तो ये फ्लावर्स का कैरेक्टर है। कैलिक्स में सेपल्स 2 से 3 होते हैं, फ्री होंगे, कैडुकस होंगे और इन्फीरियर होंगे, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेपल्स 2 से 3 ही मिलते हैं और मुक्त होते हैं, मुक्त मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, फ्री। अब हम बात करते हैं कोरोला की, कोरोला में पेटल्स 4 प्रेजेंट होते हैं या फिर इससे अधिक हो सकते हैं, 4 और मोर, फ्री इन 2 होल्स, तो फ्री होंगे, मुक्त होंगे और 2 होल्स में, टू राउंड में प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसियम जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसमें स्टेमेंस कितने होते हैं, स्टेमेंस न्यूमरस, ओकेशनली 4 और 2, फ्री होंगे, अल्टरनेटिंग और होल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग कहने का मतलब ये है कि जो आपके पेटल्स होते हैं उसके एक पेटल्स निकला होगा, फिर उसके साइड में एक स्टेमन होगा, फिर पेटल्स होगा, इस तरीके के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। गाइनोसियम, ये जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट फ्लावर का पॉलीकार्पेलरी होता है, सिंकार्पस ओवरी होगी, ओवरी कैसी होगी, सिंकार्पस, यूनिलोक्युलर मतलब जो यूनिलोक्युलर कहने का मतलब ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा, यूजली न्यूमरस, सॉरी मतलब यूनिलोक्युलर कहने का मतलब ये है कि जो ओवरी होगी अंडाशय वो एक ही सिंगल लोक्यूल होगा। कई बार क्या होता है कि बाई लोक्यूलर होता है जिसमें 2 पार्ट में ओवरी
इस तरीके से डिवाइड होती है, ठीक है। तो इधर भी ओव्यूल रहते हैं और इधर भी रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बीच में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, सिंगल लोक्यूल होता है, एक उसी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स यूजली न्यूमरस। प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है, पेराइटल मतलब भित्ती, प्लेसेंटेशन भित्ती ये टाइप का होगा। फ्रूट जो होते हैं इसके, वो कैप्सूल होते हैं, डेहेसिंग बाई पोर्स और वाल्वेज। तो ये वाल्व जो होती है, वाल्व और पोर, उसके थ्रू फ्रूट का डेहेसेंस होता है। फ्रूट इसमें बहुत ही अतरंगी टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखिए पेपेवर सोमनीफेरम इम्पोर्टेंट प्लांट है, इसी से आपका अफीम प्राप्त होता है, ठीक। तो ये अफीम पोस्ता भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अफीम पोस्ता, ठीक, अफीम पोस्ता प्लांट बोला जाता है। बोटेनिकल ओरिजिन, तो इसको पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं, इसका नेम होता है ना, कॉमन नेम है, जैसे क्राउट ओपियम भी बोलते हैं, गम ओपियम या पोस्ता प्लांट बोला जाता है, या फिर अफीम, तो ये इसके कॉमन नेम होते हैं। इसके किस किस पार्ट को हम यूज करते हैं, ड्राई मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन बाय इंसिजन फ्रॉम अनरिप कैप्सूल्स, या फिर जो इनफ्लोरिसेंस होता है, इनफ्लोरिसेंस, उससे हम लेटेक्स प्राप्त करते हैं, ठीक, लेटेक्स, और उस लेटेक्स से क्या करते हैं, अफीम प्राप्त करते हैं। हैबिट इसका एनुअल हर्ब जो जानते ही हो, हैबिटेट भी बताया मैंने आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या चीजें इसमें मिलती है, जो लेटेक्स होता है इसका, लेटेक्स में क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स मोर देन 30 अल्केलॉइड्स एंड 6 मैन, इसमें मोरफिन मिलेगा आपको, मोरफिन, इसी मोरफिन से ही एसीटाइलेशन के द्वारा, एसीटाइलेशन करके क्या बनाया जाता है, हेरोइन बनाया जाता है। कोडेसिन, ये जो कोडेसिन है, ये जो आपका खांसी का सिरप होता है ना, खांसी की मेडिसिन जितनी भी होती है, चाहे टेबलेट्स हो या फिर सिरप हो, इन सब में कोडेसिन होता है। कोडेसिन जो है, अगर कफ है किसी को तो कफ में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है कोडेसिन, ये इसका जो है मेडिसिन में यूज खूब ज़्यादा किया जाता है। थेबीन हो गया, नोस्केपीन, नारेसिन और पैपेवरीन, तो ये इम्पोर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं जिनका नेम लिखा हुआ है, आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले में इसको लिख के आओगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, मॉर्फिन टाइप, बेंजाइल आइसोक्विनोल सिस्टम, जैसे मॉर्फिन है, स्यूडो और ऑक्सीमॉर्फिन होता है, कोडीन, थेबीन बिलोंग टू फेनेंथ्रीन रिंग सिस्टम, कहने का मतलब इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसमें फेनेंथ्रीन रिंग पाई जाती है सब में। कोडेनिन, कोडीन इज एन आइदर ऑफ मॉर्फिन एंड इज यूज्ड मेडिसिनली, तो कोडीन और मॉर्फिन को ज्यादातर यूज किया जाता है। मॉर्फिन तो आप लोग जानते ही हो, जब बहुत ही ज्यादा असहनीय पीड़ा होती है, पेन होता है, तब लास्ट इलाज होता है मॉर्फिन वाला, अगर और किसी चीज से नहीं सही हुआ तो पेन किलर के रूप में इसको, पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है मॉर्फिन को, ठीक है। जब सर्जरी वगैरह होती है या ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन वगैरह में यही यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे और सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स इसके बनाए हुए हैं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर्स। मेडिकल यूजेज क्या क्या होते हैं, मेडिसिनल यूज जो है इसके, इमेटिक एक्सपेक्टोरेंट एक्सटेट इज यूज्ड एज
टूथपेस्ट इन जिंजिवी एंड पेरियोडिकल डिजीजेस। इट इज टॉक्सिक इफ टेकन इन लार्ज डोज, मोर देन 125 mg। अगर 125 मिलीग्राम से ज़्यादा कोई व्यक्ति यूज करता है तो वो टॉक्सिक साबित होगा। ठीक, इसके जो प्लांट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते ही हैं। और मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पे, ओपियम और मोरफिन जो है रिलीफ पेन, ये जो है पेन में आराम देते हैं। अगर दर्द हो रहा है तो ये बहुत अच्छे दर्दनाशक के जैसे यूज किए जाते हैं, दर्दनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं। बहुत हाई पेन जब होता है किसी को तब। ठीक है, हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स मतलब अफेक्ट द सेंसरी नर्व सेल्स ऑफ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ब्रेन में, ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, वहाँ की जो सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, नर्व तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, उनको अफेक्ट करता है। ओपियम क्लोजली रिसेम्बलेंस मोरफिन, कहने का मतलब मोरफिन जो है, ओपियम जो फ्रूट होता है इसी से तो मोरफिन मिलता है, तो मोरफिन बोलो या फिर ओपियम बोलो, एक्सर्ट्स एक्शन मोर स्लोली परफरेबल टू मोरफिन इन जाहिरिया। जैसे ओपियम आल्सो आ डाइएफोर्टिक के जैसे यूज किया जाता है। कोडेसिन मैंने आपको अभी बताया ही था कि इसका क्या यूज होता है, कोडीन का मिल्डर सेडेटिव होता है, सेडेटिव मतलब शामक, ठीक है, मंद शामक के जैसे रूप किया यूज किया जाता है, शामक, ठीक, सेडेटिव के जैसे यूज होता है। रिलीफ कफ, जो खांसी होती है खांसी में आराम देता है। हैबिचुअल यूज में कॉज कॉन्स्टिपेशन, समझ रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन कहने का कब्ज, कब्ज वाली प्रॉब्लम हो सकती है। बोथ मॉर्फिन एंड कोडीन डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म। अगर कोडीन और मॉर्फिन रेगुलर कोई यूज कर रहा है तो उसके मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कोडीन वाज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो ये कुछ इसके यूजेज होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्लांट यहाँ पे दिखाएंगे हम भी, ये फ्लावर्स हैं, देखो स्टेमेंस इसमें कई सारे होते हैं। ये आपको ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है, ये स्टेमेन है, स्टेमेंस न्यूमरस लिखा था ना, बहुत सारे स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं ओवरी के चारों ओर। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स बाईसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं बाईसेक्सुअल, तो सेंटर में ये आपका ओवरी प्रेजेंट है और इसके चारों ओर इस तरीके से निकले होते हैं आपके स्टेमेंस। ठीक, ये है इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सेपल पेटल जितने मैंने बताए थे उतने ही होते हैं, यहाँ 2 से 3 होने चाहिए थे, तो देखो इसमें 2 ही प्रेजेंट है, कुछ कुछ स्पीसीज में 3 होते हैं। ठीक है, और जो कोरोला होते हैं वो कोरोला कितने होते हैं, कोरोला इसमें 4 होते हैं, 2+2 के अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए कोरोला, एक ये बड़ा वाला है और एक ये बड़ा वाला है, देखिए यहाँ से शुरू होके इस तरीके से आया है और एक दूसरा भी उतना ही बड़ा है, 2, और ये हो गया तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से प्रजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको एंड्रोसियम दिखाए गए हैं, क्या है एंड्रोसियम, और ये गाइनोसियम है जो आपका ओवरी वाला पार्ट है। तो इस तरीके से इसका फ्लोरल डायग्राम होता है। यहाँ पे देखिए कई सारे फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, इसमें स्टेमेंस चारों ओर कितने सारे हैं, और पुष्प जो होते हैं इसके फ्लावर बहुत ही आकर्षक होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर पुष्प उगते हैं। यहाँ देख लिए इसका हैबिटेट अच्छे से आपको दिखेगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर समझ सकते हो, देखिए किस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती है। ठीक है, और कुछ प्लांटों में स्पाइंस भी होते हैं, कांटे जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलती है। देखिए पोलिनेशन करता हुआ एक मधुमक्खी बैठा है जो कि पोलिनेशन करेगा, तो पुष्प जो होते हैं इसके काफ़ी
आकर्षक होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप वैरायटी के पॉपी के प्लांट होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कैलिफोर्निया पॉपी है जो आपको दिख रहा है, ये कॉमन पॉपी जो ज़्यादातर पाया जाता है, और ओपियम पॉपी ये जो अपने यहाँ उगता है। ठीक है, अपने यहाँ कई सारे इलाकों में मिलता है, गाजियाबाद वगैरह में देखो तो ये खूब ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये आपको फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरल फार्मूला। देखिए इस तरीके से, मतलब रेडियल सिमेट्री होगी और फ्लावर्स जो होते हैं बाईसेक्सुअल होंगे। के टू होता है, मतलब कैलिक्स जो होते हैं वो दो होते हैं या सम टाइम तीन हो सकते हैं। कोरोला 2+2 में रहता है, ये 2+2 लिखा हुआ है। एंड्रोसियम इनफाइनाइट होते हैं और गाइनोसियम 2 होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से फ्लोरल फार्मूला होता है इसका। तो आई होप आपको इस फैमिली के बारे में सब कुछ अभी तक पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।